इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप जो है वीवो बायोन एसआर फोन में टॉल्क बैक को कैसे ऑन कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप जाएंगे अपने वीवो बायोन एसआर फोन के सेटिंग में, फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का, आप यहां पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबल का, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा टॉल्क बैक का, आप यहां पर क्लिक करेंगे। अब देखिए टॉल्क बैक ऑन करने के लिए आप इसके सामने सेटिंग यानी कि यहां पर क्लिक करेंगे और फिर परमिशन मांगा जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में टॉल्क बैक ऑन हो जाएगा। दोस्तों देखिए टॉल्क बैक ऑन हो जाने से क्या होगा कि दोस्तों आपके फोन के स्क्रीन पर जो भी लिखा होगा वो जो है मोबाइल आप पढ़ के सुनाएगा। जब आप अपने फिंगर को वहां पर ले जाएंगे तो, या दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फोन के देखिए बैक बटन या होम बटन या टास्क बटन पर भी फिंगर को टच करेंगे तो मोबाइल आपको बोल देगा कि ये जो है आपका बैक बटन है और आप इसे डबल टैप करिए तो आप बैक हो जाएंगे। जैसे देखिए दोस्तों हम यहाँ पर बैक बटन पर लाते हैं, double tap to activate, double tap and hold to long press. तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल यहाँ पर बता रहा है कि ये जो है बैक बटन है और जब आप इस पर डबल टैप करेंगे तो बैक हो जाएंगे। तो अगर आप किसी भी सेटिंग को ओपन करना होगा या बैक करना होगा तो आपको जो है डबल टैप ही करना होगा, सिंगल टैप से आपका काम नहीं चलेगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की ओर खींचना है तो दोस्तों अगर आप एक फिंगर से नीचे करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन नीचे नहीं होगा, जब आप अपने दो फिंगर से टच करके नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की ओर खींचेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल नीचे होगा। और अगर आपको बैक करना है तो आप बैक बटन पर डबल प्रेस करेंगे, और दोस्तों आपको जिस भी सेटिंग को ओपन करना है तो उस पर भी डबल टैप करना होगा तब वो सेटिंग ओपन होगा। एक्सेसिबल शॉर्टकट्स, नेविगेट अप बटन, तो इस तरीके से आप वीवो बायोन एसआर फोन में आप जो है सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग को ऑन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।